हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम घन और घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन करेंगे। थॉमस, क्या तुम प्रोजेक्ट के लिए कागज लाए हो? हाँ, देखो, मैं तो वर्ग और आयत दोनों आकारों के कागज लाया हूँ। थॉमस, क्या तुमने देखा कि वर्ग आकार के कागज के पैकेट और आयत आकार के पैकेट पृथक पृथक जगहें घेर रहे हैं? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ग आकार के कागजों के पैकेट का आयतन वॉल्यूम और आयत आकार के कागजों के पैकेट का आयतन वॉल्यूम पृथक पृथक है। मैं कुछ समझा नहीं थॉमस, क्या तुम मुझे ये बात और विस्तार में समझा सकते हो? बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाऊं। इसका मतलब ये गणित का समय है। चलो पहले हम इन आयताकार कागजों के पैकेट को देखें। मान लो कि हर आयताकार कागज का क्षेत्रफल ए है और जिस ऊंचाई तक आयताकार कागजों का ढेर लगाया गया है वो एच है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन आयताकार कागजों का ढेर किस आकार का है? ये तो घनाभ आकार का है, जिसके आधार का क्षेत्रफल ए है और ऊंचाई एच है। सही। और जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन घनाभाकार कागज के पैकेट द्वारा घेरी हुई जगह उसका आयतन वॉल्यूम वी है। और तुम देख सकते हो कि प्रत्येक आयताकार कागज का क्षेत्रफल ए और ऊंचाई एच के गुणनफल के बराबर है। देखो मानस, हमें किसी भी घनाभ के आयतन का सूत्र ज्ञात हो गया। किसी भी घनाभ के आयतन वॉल्यूम को हम उसके आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल या उसकी लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अरे हाँ थॉमस, चलो अब हम इस घनाकार कागजों के पैकेट को देखते हैं। हर घन एक खास तरह का घनाभ ही होता है, जिसके सारे किनारे समान नाप के होते हैं। इसलिए यदि हम मान लें कि इस घनाकार कागजों के पैकेट के हर किनारे का नाप ए है, तो हमें इस तरह घन के आयतन का सूत्र ए का घन प्राप्त हो जाएगा। तुम तो बहुत जल्दी समझ गए मानस। अब चलो हम पहले घनाभ के आयतन के सूत्र में इस घनाभाकार कागजों के पैकेट की लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि इस घनाभाकार कागज के पैकेट का आयतन 3150 सेंटीमीटर घन है। अब मैं इन घनाकार कागजों के पैकेट का आयतन ज्ञात कर लेता हूँ। मैं यहाँ घन के आयतन के सूत्र में घनाकार कागज के पैकेट के किनारों का नाप 21 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। अब इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि घनाकार कागजों के पैकेट का आयतन 9261 सेंटीमीटर घन है। चलो मैं जल्दी से इन सूत्रों को सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। अब मैं समझ गया थॉमस। देखो, वर्गाकार कागजों के पैकेट का आयतन आयताकार कागजों के पैकेट से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक मानस। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, हमें प्रोजेक्ट भी तो पूरा करना है। मिल बांट के कर लें। दोनों दोस्तों ने मिलकर उन वर्ग और आयताकार कागजों का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया।
इस वीडियो में घन और घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का अध्ययन किया। हमने सीखा एक आयतन वॉल्यूम क्या होता है, दो घन और घनाभ के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कैसे ज्ञात करें। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।